फुफा साहब और आज का जन्मदिन है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का। और आज देखिए हमारे पीछे कितनी पब्लिक की भीड़ है इधर, तो मैं चारों तरफ आपको घुमा के दिखा दे रहा हूँ। और आज वैसे भी आप लोगों को पता है कि आज है 14 अप्रैल और आज के दिन बाबा साहब का जन्मदिन है। काफ़ी ज़्यादा अम्बेडकर पार्क में भीड़ लगा और फर्स्ट टाइम हम भी देखने के लिए आए हैं और आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। जो लोग नहीं देखते और जो लोग आते हैं यहाँ देखने की, उसकी तो बाद ही छोटी, जितना मज़ा आ रहा है। अपना घर छोड़कर इतना दूर हूँ, बट आज यहाँ पर आने के बाद महसूस ही नहीं हो रहा कि अपना घर छोड़ा। लोग मिले, इतने लोग मिल रहे हैं, जो देख रहे हैं यार, सनी भाई इसलिए जो सोचा भी नहीं कि इनसे मिलेंगे, वो लोग भी मिल रहे हैं आज। बहुत लोग, मैं वीडियो एक भी नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि हमें शाम तक वीडियो बनाना है, बहुत वीडियो लंबी हो जानी है क्योंकि बहुत ही कुछ होने वाला है इस पार्क में। We'll be right back.
यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, पूरी और सब्जी और बूंदी, और जो कि हम लोगों ने लेके खा लिया प्रसाद। उस टाइम बहुत भीड़ था इसलिए हम ले नहीं पाते, क्योंकि जी वहाँ पानी भी भरना है, आपको दिख नहीं रहे होंगे। और यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है दोस्तों, आज बाबा साहब का बर्थडे है, यहाँ पे प्रसाद मिला, खा भी लिए चार पूरी, उसके बाद बुनिया पानी भर लिया, चलते अंदर मजा लेते, आराम से मजा लिया जाएगा और मजा आ गया यार। और हर साल हम आएंगे, कोशिश साल आएंगे, यहाँ पे मजा आता है। तो फ्रेंड आप लोगों को हर जगह मिलेगा यहाँ, मतलब पब्लिक इतनी भीड़ है आज की, नारा जयकारा हर जगह लग रहे हैं। और आप लोग को चलो इसी तरह मैं दिखा रही हूँ, सो गाइज देखो यहाँ पे आज था 14 अप्रैल, और आज यहाँ पे पब्लिक कितनी ज़्यादा बढ़ती है, इसमें से हमको लगता है 1000 से भी ज़्यादा लोग सनी जी को भी पहचान रहे थे। जहाँ पे भी देखो तहाँ पे सनी जी को मिल रहे थे। मैं ये फर्स्ट बार है जो मैं क्लिप ले रही हूँ, ये लोग जो मिले हैं, तो इससे पहले भी बहुत सारे लोग मिले थे सनी जी को, सनी जी के फ़ैन। और इधर देखो मैंने घुमा के दिखा देनी है आपको, पब्लिक की भीड़ तो भाई पूछिए मत। और अभी नाइट का जो होगा ना, मैं आपको वो भी सब दिखाऊँगी जो कितना भीड़ लगेगा। आप लोग पता ना कैसा लगा ये बाबा साहब का जयंती जो कि मनाया जा रहा है यहाँ पे, और कौन कौन आया है ये भी वीडियो, कौन कौन देख रहा है, जो कौन कौन इस टाइम आया हुआ है यहाँ पे कमेंट करना, और कौन कौन नहीं देखा है, मतलब नहीं आ पाया है तो इस वीडियो को देख के आप लोग। तो फ्रेंड मैं आ गई यहाँ पे जहाँ पे होने वाला ये शो, और मैं लगाई हूँ आज पहली बार कैप। कैसी लग रही कमेंट करके आप लोग बताना कैप लगाई। देखो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जलने लगी हैं, और ये जो नाइट में होगा मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। बाकी आपने जो भी कुछ दिखा, जो भी कुछ हुआ मैंने सब कुछ आपको वीडियो के थ्रू दिखाया। और यहाँ पे आज प्रोग्राम होगा, पता नहीं क्या होगा, मैं भी तो यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मुझे उतना नहीं नॉलेज। सो फ्रेंड देखो इतनी पब्लिक मिल गई है सनी जी के फैंस, और फोटो वगैरह खींच रहे हैं लोग, और बहुत ही आज तो बहुत ज़्यादा मिले हैं। और एक खास बात, ये आंटी हमारी ब्लॉग देखती हैं, तो ये मुझे देख के पहचान गई, तो अच्छा लगा। ये तो मतलब हम लोग कितने बजे का हैं, 10-12 बजे का है, मतलब 11 बजे हम लोग घर से निकले थे, और 12 बजे मतलब, और शाम हो गया, देख सकते हो पब्लिक क्राउड, देख सकते हो इधर क्राउड, देखो इधर क्राउड, देखो और इधर देखो, वो भी आ रहा है और 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, मजे की बात है। और मैं पहली बार यहाँ पर आया था, बहुत मजा आया मुझे, और ऊपर से चलकर नजारा दिखाता हूँ, ग्राउंड मतलब कितनी पब्लिक है, कितनी सब कुछ ऊपर से, आपको सब कुछ चलिए चलते ऊपर। ये है आज अंबेडकर जयंती का क्राउड, बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो भीड़, इतनी बड़ी जगह होने के बाद भी जगह कम पड़ रही है। आप क्राउड देख सकते हो इधर, और वहाँ पे सॉन्गों का प्रोग्राम चल रहा है उस साइड, और मैं इसलिए इस पर चढ़कर वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अच्छे से ले पाऊँगा, क्योंकि उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है, दर्द हो रहा है, इसलिए सोचा इस पर चढ़कर वीडियो बना लूँ। अभी क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। तो फ्रेंड हो चुके हैं रात के 8:30, और नाइट वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, और कोई
भाई आए हैं उनका नाम नहीं पता है। बहुत ज्यादा क्राउड है, मजा आ गया आज। अभी आ गए हैं और मैं अपने मोबाइल से जो भी चलो दिखाती हूँ, दिखा रहा अगर थोड़ा सा मेरा दिखेगा तो। बाबा साहब ने कहा था भैया, यही बात भगवान बुद्ध ने भी कहा था, जूम करके जो गुरु कलंकार सदरी पहने हैं ये आ जा बच्चे जरा ठीक है। ये कहा था चाहे कुछ भी हो जाए शादी में दहेज नहीं लेना है तो आप लोग आइए, अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आज दिक्कत इस बात की है कि कुछ लोग ऐसे हैं, ये रामपाल जी हमारे टीम के मैनेजर हैं, हमारे भाई हैं, शादी करने गए इनका मुंह देख रहे हैं। अब पिताजी ने अरे टीवी का जा रहा है गद गद हुआ गद गद्दा गद गद वाले हाथी, अरे टीवी का जा रहा है गद गद हुआ गद गद्दा विदिता गौतम, दोनों लोग तीनों लोग आ जाए, हमारे बच्चे भी आए हैं आज। मेरा भी दिल एकदम बिल्कुल गदगद हो गया है आज, मैं भी इतना प्रसन्न हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अपने परिवार के साथ मैं समझ रहा हूँ कि पहली बार गाने बजाने का मौका मिला है। तो आइए आज हमारी पार्टनर जो गायिका है जया जी, अरे गोरे की बबर से समर की बबर से अरे बड़ा मजा आया जब बाबा साहब पर बरसे, बड़ा मजा आया बाबा साहब पे बाबा साहब जब मिलता पाली दोस्तों, मजा आ गया मुझे डांस करके, बहुत मजा आ गया। मतलब होता है लखनऊ है ना, मैं क्या कर पाऊँ, ये वीडियो बनाने के चक्कर में रहती है इनका, मैं सोचती मेरा ना हो पर। और दोस्तों बता दूं कि ये लखनऊ ओपन माइंड एरिया के डांस करो तो और लड़की अगर डांस करने लगे, हमारे गाजीपुर में वहाँ पर जाकर डांस करोगे ना 100 कोस दूर चले जाएंगे। हाँ बट यहाँ है कि आप डांस करो, अगर डांस करने के लिए बोलो ना तो लड़कियाँ आके अपने आप डांस करते हैं, मजा आ गया। लोग सपोर्टिव है कि हाँ आपके अंदर टैलेंट है तो लोग सपोर्ट करेंगे, ये तो बाहर में देखने को मिल रहा है। आपका भाई यहीं पे परमानेंट अब शिफ्ट हो जाएगा, पर बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। यहाँ पे तो इतनी क्राउड थी, मतलब सारा क्राउड खत्म हो चुका है, अब सब 9 बज गया तो पार्क बंद होने का टाइम है। तो फाइनली बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया। दोस्तों आप लोग से एक शिकायत है, वो भी क्या बता दे रहा हूँ, आप लोग बोलते थे कि आप लोग जाओ बाहर घूमो, अच्छी अच्छी ब्लॉग बनाओ, अब बाहर आ गए अच्छे रहते हैं, अच्छे से अच्छी अच्छी ब्लॉग वीडियो डालते हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। और पहली बात तो जो गंदे वीडियो बनाते हैं उनका व्यूज आते हैं, वैसा तो काम हम लोग को करना है नहीं, बट मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। दोस्तों बहुत मजा आया, एक बार देख सकते हो सारा लोकेशन खत्म, और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई को सपोर्ट करो।